नमस्कार, विख्यात फूड से मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पालक राइस बनाऊंगी। गढ़वाल की तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में ये राइस बहुत खाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक कप राइस ले लिया है। ये बासमती राइस है, इसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया है और थोड़े से पानी में भिगो दिया है। एक कप राइस लिया है मैंने, इसलिए 2 कप पालक ले ली है। पालक को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धोया है और उसे महीन महीन काट लिया है। चिली फ्लेक्स, नमक, देसी घी 1/2 कप ले लिया है न्यूट्रीला। इसके साथ ही हम एक रायता बनाएंगे। रायते के लिए मैंने दही ले लिया है, रायते वाला मसाला, लहसुन, जीरा और ये 2 तेज पत्ता ले लिया है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। गैस पर प्रेशर कुकर चढ़ाते हैं, गैस ऑन करते हैं और 1 चम्मच घी डाल देते हैं। सबसे पहले मैं ये न्यूट्रीला फ्राई कर लेती हूँ। न्यूट्रीला को गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेंगे। न्यूट्रीला गोल्डन कलर का हो गया है, अब इसे एक कटोरी में खाली कर लेते हैं। एक चम्मच घी और डालते हैं और इसी में ये जीरा डालते हैं, ये 2 तेज पत्ते हैं ये भी डाल देते हैं। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज डालकर हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनती हूँ इसे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप प्याज खाते हैं तो डालें, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। प्याज को ट्रांसपेरेंट करना है। 2 मिनट लगा है, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें ये पालक डाल देते हैं। पालक को हल्का सॉफ्ट कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट में ही प्याज बिल्कुल पक गई है, प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ये राइस डाल देते हैं और ये न्यूट्रीला भी इसी में डाल देते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो चावल के दाने टूट जाएंगे। हल्के हाथों से ही चावल को चलाएंगे। 2 मिनट तक मैंने चावल को भून लिया है। अब जिस कप से मैंने चावल का नाप लिया था उसी कप से 2.5 कप मैं चावल में पानी डालूंगी, क्योंकि सोयाबीन है तो वो भी पानी सोखेगी। स्वादानुसार नमक, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसी समय मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन लगा के इसे बंद कर दिया है और 1 सीटी आने देते हैं। जैसे ही सीटी आएगी गैस तुरंत बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। अब मैं कुकर को दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देती हूँ। गैस पर तड़का पैन चढ़ाते हैं। इसमें 1/4 स्पून घी डालते हैं और इसमें ये 1 लाल मिर्च डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 पिंच अजवाइन और जीरा ले लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। गैस बंद करते हैं। ये मैंने रायते के लिए तड़का बनाया है, आइए अब रायता बनाते हैं। एक बाउल में दही ले लेते हैं, स्वादानुसार नमक और ये मेरे पास मसाले वाला नमक है जो मैं रायते में यूज करती हूँ, ये भी डाल देते हैं इसमें। और ये तड़का, ये भी मैं रायते में ही डाल देती हूँ। अब ये पालक के राइस हैं, इसलिए मैं इसमें भी थोड़ी सी पालक की प्यूरी यूज करूंगी। इसको भी मिक्स कर देते हैं। पालक का रायता तैयार है। अब एक बार फिर से ये तड़का पैन चढ़ाते हैं गैस पर और इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया मैंने। घी गरम करते हैं
और इसमें ये लहसुन डाल देते हैं। ये तड़का मैं राइस के लिए बना रही हूँ। लहसुन को खूब अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, लगातार चलाते हुए इसे भून लें। इससे लहसुन का कलर सब जगह एक समान आएगा। लहसुन गोल्डन कलर के हो गए हैं। गैस मैंने बंद कर दी है। कुकर ठंडा हो गया है, आइए इसे खोल लेते हैं। चावल बहुत ही अच्छी तरह गल गए हैं। सबसे पहले इसमें से ये तेज पत्ते हटा देते हैं और इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। ये आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और ये जो हमने लहसुन का तड़का बनाया था इसे भी डाल देते हैं। अब एक बार इन चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथ से मिक्स करें। पालक राइस तैयार है, अब इन्हें किसी बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ये लहसुन का छौंक भी इसमें डाल देते हैं ऊपर से। पालक राइस तैयार है, इसके संग पालक का रायता बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप भी इसे बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।